अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप देख सकते हो मौसम इतनी ज़ोर की बारिश हो रही है इधर माशाल्लाह। अभी हम बनाने जा रहे हैं मैक्रोनी। ये मैक्रोनी इधर है और ये मसाले रेडी हैं। मैंने ओनियन ब्राउन करके थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट डालकर फिर उसमें टमाटर उनको अच्छी तरह आप मिक्स करें बहुत अच्छी तरह, फिर आप चिकन डाल दें, फिर मसाले में लाल मिर्च, नमक और ब्लैक पेपर सिर्फ यही डाल दें और सोया सॉस। सोया सॉस मैं आपको दिखाती हूँ, वो डाल दें और ये रेड चिल्ली, ये आपको दिखाती हूँ ये रेड चिल्ली, चिली सॉस और सोया सॉस, ये शंग्रीला कंपनी का है, आप ये दोनों डाल दें और थोड़ा सा आप ऐसे ढक लीजिएगा, ठीक है। फिर ये अच्छा सा टमाटर पानी होने के बाद फिर हम ये मैक्रोनी मिक्स करेंगे। और इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है, बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है। अभी मरियम इधर मशा देख रही है, मशा इन द बियर्ड इसको बहुत ज़्यादा पसंद है और बाहर इतनी ज़ोरों से बारिश हो रही है और हम मैक्रोनी हमारे दम में लगे हुए हैं। और ये अनमता इधर खेल रही है। अनमता आप क्या खेल रही हो? पजल्ट खेल रही हो? ये मरियम के डॉल्स बिखरे हुए हैं। मरियम ये मशा, मैं घर को साफ करके थक चुकी हूँ, मैं साफ करती हूँ फिर दोबारा मरियम फैला देती है सब कुछ। ही मेरी बाइक के सामान है, वो अपने घर पर है तो इंशाल्लाह वो शायद शाम को आएंगे जब बारिश थोड़ा सा रुक जाए। और अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मौसम भी काफ़ी बेहतर हो चुका है क्योंकि कल परसों बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और अभी माशाल्लाह मौसम ज़बरदस्त हो चुका है और ठंडी ठंडी हवा आ रही है और हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय तो नहीं करे, खैर घर पर ही हूँ और बस यही। आप बताएं आप लोगों की डेली रूटीन क्या है, आप प्लीज़ कमेंट में बताएं आप लोगों को ज़्यादा क्या मतलब पसंद है करने में, आप वो मेरे साथ शेयर करें। और आप मुझे ये भी बताएं कि मैं आप लोगों के साथ क्या क्या शेयर करूँ, ठीक है। आप प्लीज़ मुझे बताएं। आप व्यूज़ मेरे इतने आते हैं, इतने मेरे व्यूज़ आते हैं लेकिन आप लोग ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। व्यूज़ 500 से ऊपर कभी आते हैं, कभी 200 से ऊपर आते हैं लेकिन आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी किया करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़, आप अगर देख रहे हो तो प्लीज़ आप लाइक भी करें सब्सक्राइब भी करें प्लीज़। हमारी मैक्रोनी ऑलमोस्ट रेडी है, थोड़ा सा पानी है लेकिन ये सूखे होने के बाद मैं आपको दिखा दूँगी। ये अभी अनमता और मरियम दोनों बहनें मिलकर मैक्रोनी खा रहे हैं। अनमता आपको कैसा लगा? अच्छा। आपको चिकन पसंद है? अच्छा बनाया हुआ है। मरियम आपको कैसा लगा? मरियम आपको कैसा लगा? मरियम मरियम नाइस, इट्स यमी, मरियम यमी, यमी। तो दोबारा हमने कमरा साफ कर चुकी हूँ और मैं सोच रही हूँ मैं अपने हस्बैंड के साथ प्रैंक करूँ। और मेरे हस्बैंड भूतों से बहुत ज़्यादा डरते हैं तो मैं सोच रही हूँ कि हस्बैंड के साथ प्रैंक करूँ। अभी हम देखते हैं, वो बस आने वाले हैं 5 मिनट में तो मैं अबाया पहनकर निकाब करके मैं इधर साइड में करी रहूँगी। वो अचानक दरवाज़ा ये खोलेंगे तो वो डर जाएंगे, ठीक है। मैं कैमरा उधर उधर रखने वाली हूँ, ठीक है। अभी पता नहीं क्लियर आएगा नहीं आएगा वो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं।
मरियम के लिए अभी मैं नगेट्स फ्राई कर रही हूँ। शाम के वक्त मरियम नगेट्स खाती है तो मैं नगेट्स फ्राई करती हूँ, या कभी मैं फ्राइज या कभी फ्रेंच टोस्ट, वैसे कुछ ना कुछ मैं फ्राई करती हूँ उसके लिए। तो मैं धो चुकी हूँ, अभी हम इनको ड्राई करते हैं और फिर अपने हस्बैंड के लिए बन कबाब बनाते हैं। तो अभी ये बन कबाब बनाने वाले हैं, ये यूनाइटेड किंग बेकरी से आपको रेडीमेड मिलेगी। आपको सिर्फ ये कबाब फ्राई करने हैं और ये बन टोस्ट करने हैं, और इनकी चटनी बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है, आप प्लीज़ ये ट्राई करें। थोड़ा से जब फ्राइज भी बना रहे हैं और ये चाय मेरे हस्बैंड की रेडी होने वाले हैं, आप ये देख सकते हो। और अभी मैं आपको पूरी चीज़ें दिखाऊँगी, सारी चीज़ें दिखाऊँगी। तो हमारे बन कबाब ये रेडी हो चुकी हैं, ये फ्राइज मेरे हस्बैंड के लिए, ये भी मेरे हस्बैंड के लिए, इनकी चाय, और ये मेरे फादर इन लॉ के लिए, और ये मरियम के लिए। ये रेडी हो चुका है बन कबाब, ये इमली की चटनी और ये ग्रीन रायता, बहुत टेस्टी है। और ये फ्राइज़, इसके अंदर मैं चाट मसाले डालती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैंने अपने लिए थोड़ी सी मैक्रोनी लिया है। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। पक्का सही बगो मरियम, मरियम दिखाओ, अब दिखाएंगे। मनी मनी कुछ दे मनी। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारी डेली स्किन केयर रूटीन। तो ये आप मेरे सामने ये कलरफुल सोप देख रहे हो, ये बहुत ज़बरदस्त सोप है, और ये फॉर हेयर, फॉर स्किन, फॉर बॉडी, ये हर चीज़ के लिए बहुत ही अच्छी है। फ़िलहाल मैं एक यूज़ कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ये वन बाय वन मैं आपको बताऊँगी ये किस चीज़ की है। नंबर वन, ये सोप ऐसे आती है, ये मस्क एंड संदल का है, ठीक है, आप ये देख सकते हो, और इसकी खुशबू भी ज़बरदस्त है, ठीक है। और ये जैस्मिन का है, सीरियन जैस्मिन होता है ना, वही है, ठीक है, ग्रीन कलर में, ठीक है। और ये रोज़, इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी है, ये रोज़ का है, ठीक है। ये भी कोई ट्री ऑयल है, ये भी ट्री ऑयल है, ओके, कोई ट्री ऑयल, लीव्स में ऑयल वगैरह ऐसे ही कुछ है। ये मस्क है, ये भी मस्क है, प्योर मस्क। और ये एलोवेरा है, ये एलोवेरा है, एलोवेरा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है स्किन के लिए और हेयर के लिए। आप अगर आपके पास एलोवेरा ट्री है तो आप वो जेल निकाल कर आप अपनी स्किन में लगा सकते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है, लेकिन मैं नहीं लगाती, मैं बहुत कम लगाती हूँ ऐसी चीज़ें। तो अभी सोप ये ले चुकी हूँ, ये इंशाल्लाह मैं यूज़ करूँगी। ये एलोवेरा का है, और ये सेंट ट्यूलिप जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, ठीक है, ये सेंट ट्यूलिप है जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ। ये ब्लैक सीड ऑयल का है, ये ब्लैक सीड ऑयल का है, ये बालों के लिए ज़बरदस्त है, ये बहुत ही सोप अच्छा है बालों के लिए। और लास्ट वाला हर्बल ऑयल है, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है बालों के लिए, स्किन के लिए, बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, ठीक है। ये हमारा सोप हो चुका, और इसका नेम वगैरह मैं आपको बोल देती हूँ। और ये दूसरा मैं ये तो कुकिंग करने के वक्त और अब बाहर जा रहे हो, ये प्लीज़ आप लगा कर जाएं, ये बहुत ही सन ब्लॉक मस्ट है, आपको हर वक्त लगाना चाहिए, मेकअप नहीं ये सन ब्लॉक लगाएं,
ये बहुत ही अच्छा है। सनब्लॉक के बाद थोड़ा सा ब्लश लगाएं और टिंट लगाएं, आपका मेकअप कंप्लीट हो गया। वैसे ये बहुत ही अच्छा है और ये आप लगाएं फॉर सेंसिटिव स्किन के लिए है, ठीक है। और ये है टोनर, ये भी ज़बरदस्त है, आप ये देख सकते हो मेड इन स्विट्ज़रलैंड। और ये एसेंशियल केयर है, ये आप रिफ्रेशिंग मैटिफाइंग टोनर, ये बहुत ही अच्छा है, आप यूज़ करें ये टोनर। मैं ये यूज़ करती हूँ और ये ब्लैकहेड्स हटाने के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ, ये भी बहुत अच्छा होता है, ये स्किन को ऐसे खींचता है अंदर की तरफ। लेकिन आप मत डरें, इनके साइजेस आते हैं, ठीक है। तो ये आप नोज़ के जो किनारे हैं उन आप ये वगैरह साफ़ करें, ये बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करते हैं। तो मैं बस ये यूज़ करती हूँ। और ये विटामिन ई, विटामिन ई मैं बहुत कम लगाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं लगाऊँ हर वक्त, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि आप पाँव हाथ में लगाऊँ हर वक्त। ये बहुत ही ज़बरदस्त है और विटामिन ई रिच इन नेचुरल, ये सब कुछ मैं यूज़ करती हूँ फॉर स्किन एंड बॉडी। ये थी हमारी स्किन केयर रूटीन। ये शाजमा इधर बैठी हुई है मेरी हेल्प के लिए। ये हमारी थी स्किन केयर रूटीन और मैं यही यूज़ करती हूँ और कुछ भी यूज़ नहीं करती। और ऑयल तो बिल्कुल नहीं लगाती सर पर, लेकिन कोशिश करती हूँ कि लगाऊँ और इंशाल्लाह लगाऊँगी। और ये सब कुछ मैं यूज़ करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ आप व्यूज़ बहुत आते हैं, लेकिन आप लोग लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें और शेयर भी करें। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।